नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं और यहां पे हम ग्रुप बाय पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो ज़रूर एक बार पिछले वीडियो को जाके एक बार देख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आएंगे तो आपको हर एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये टेबल देके रखा है और अपने को बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले फ्रॉम आर, ये हमारा टेबल आर है, इसको अपने को क्या करना होगा, ग्रुप बाय करना होगा ए से। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप बाय अगर मैं ए के द्वारा करूँगा, ए बी सी एट्रीब्यूट है, ग्रुप बाय कर दो भाई ए से, तो ए वन ए वन ए वन एक साथ आ जाएंगे, फिर नल और नल एक साथ आ जाएंगे, फिर ए थ्री आ जाएगा, फिर ए थ्री आ जाएगा, तो ए1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है B180 ये आ गया। देन उसके बाद फिर A1 के करस्पॉन्डिंग अगला B160 है। देन उसके बाद फिर B5 नल है ये आ जाएगा, फिर नल के करस्पॉन्डिंग B270 है, देन B290 है, देन A3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो भी लिख देते हैं, वो है B350 देन B360। ये हमने ग्रुप बाय कर लिया, ग्रुप बाय कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट करना है A को, मतलब A के कॉलम को काट के निकाल लेना है। तो A के कॉलम को जब मैं काट के निकालूंगा तो क्या क्या आएगा, A1 आएगा, नल आएगा और A3 आएगा। क्या यही आएगा, क्या बिल्कुल यही आएगा, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझोगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही चिंटू मिंटू है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ सिलेक्ट बी फ्रॉम आर, ग्रुप बाय करना है ए, तो अगेन ग्रुप बाय हो जाएगा ए, ये तो अपन समझ रहे, ग्रुप बाय हो गया ए से। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल में अगर मैं ग्रुप बाय करूँ ए का, तो A1 एक साथ आ जाएगा, देन नल नल एक साथ आ जाएगा, नल नल एक साथ आ जाएगा, देन उसके बाद A3 आ जाएगा, ये ग्रुप बाय हो गया। ठीक है, इस टेबल में पूरा ग्रुप बाय मैंने कर दिया ए के करस्पॉन्डिंग, ये ए है, ये बी है और ये सी होगा। अब बोलता है सिलेक्ट करो बी, ये तो बकवास कर रहे हो ना आप। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो भी एट्रीब्यूट ग्रुप बाय के अंदर लिखा होगा उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो सिलेक्ट के बाद लिखा होना चाहिए, नहीं तो आएगा एरर। तो आप देख सकते हो ये नॉट अलाउड, ये SQL स्टैंडर्ड आपको अलाउ नहीं करता है। और यहाँ पे ग्रुप बाय इसलिए नहीं क्योंकि ग्रुप बाय ए लिखे हो और सिलेक्ट कर रहे हो बी को, आप कर रहे हो बकवास, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, तो फिर से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ग्रुप बाय हम कर रहे हैं ए से, लेकिन यहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो क्या अब एरर आएगा क्या, ये सोचने वाली बात है। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो यहाँ पे फिर से एरर आ जाएगा, क्योंकि आप बी को भी सिलेक्ट कर रहे हो और ग्रुप बाय कर रहे हो ए को, तो यहाँ पे ये भी चीज़ अलाउ नहीं करता है SQL स्टैंडर्ड। वेरी गुड, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट एवरेज सी, सबसे पहले फ्रॉम आर वाले टेबल में ग्रुप बाय करो ए से और उसके बाद फिर एवरेज निकाल लो। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, ग्रुप बाय ए लिखे हो, ए यहाँ पे नहीं है, एवरेज ऑफ सी कंप्यूट कर रहे हो, तो अगेन SQL स्टैंडर्ड आपको ये नहीं करने देगा, SQL स्टैंडर्ड बोलेगा एरर, आप ग्रुप बाय के एट्रीब्यूट को ही सिलेक्ट कर सकते हो, ये वो वहाँ पे बोल देगा, ए इज नॉट इन सिलेक्ट क्लॉज, ये चीज़ वो बोल देगा। लेकिन ओरेकल स्टैंडर्ड आपको ये काम करने देता है, ओरेकल SQL ये काम आपको करने देता है और एवरेज ऑफ सी निकाल के तो दे देगा, एवरेज ऑफ सी निकाल के दे देगा, ग्रुप बाय किया ए और उस ग्रुप बाय के करस्पॉन्डिंग जो भी एवरेज है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा एवरेज किसके लिए है, कौन से वाले ए का एवरेज कौन सा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या मतलब ऐसे ग्रुप बाय करने का, ठीक है, आप आइडिया समझ रहे हो, ओरेकल स्टैंडर्ड ये चीज अलाउ करता है, ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब भी गेट एग्जाम में हम पेपर लिखते हैं तो हम फॉलो करेंगे SQL स्टैंडर्ड को, तो उसके हिसाब से ये अलाउड नहीं है। वेरी गुड, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट C1 फ्रॉम, अब यहाँ पे दो क्वेरी है, ये अंदर की क्वेरी है, ये बाहर की क्वेरी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले अंदर की क्वेरी को चलाएंगे, बाद में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा सब क्वेरी क्या होता है, ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, ये अंदर की जो ब्रैकेट में लिखी हुई है क्वेरी, इसको अपन पहले चलाने वाले, इसको हम पहले चलाएंगे तो क्या होगा, अगेन जो हमारा टेबल है हम इसी टेबल को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले ये ग्रुप बाय कर देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप बाय किया ए और उसके बाद ए और ए से ग्रुप बाय करने के बाद हम क्या ले रहे हैं, ए और एवरेज वाला सिर्फ और सिर्फ कॉलम यहाँ पे काट के निकाल रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं C1। ये काम अपन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही चिंटू मिंटू, A1 से ग्रुप बाय किए और उसके बाद फिर एवरेज कंप्यूट कर दिए हैं C का।
ठीक है, A1 से ग्रुप बाय के एवरेज कंप्यूट कर दिए हैं सी का, वेरी गुड। अब उसके बाद आउटर क्वेरी बोलता है कि आप सी अपने को निकाल के दे दो, ठीक है, जो भी आपका सी है वो निकाल के दे दो। इस टेबल को C1 अपन बोल दिए हैं, इस टेबल को अपन C1 बोल दिए, और बेहतर होगा इसको अगर अपन सी लिखें या फिर इसको C1 लिखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट C1, सिलेक्ट C1 बोलने का मतलब है ये जो है सिलेक्ट ए और एवरेज ऑफ सी एज C1, ये C1 हो गया। अब C1 में से मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे असलियत में इस तरीके से लिखना होगा अपने को, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सी एज C1। तो इससे क्या होगा, सिलेक्ट करना है एवरेज, तो एवरेज को जब मैं सिलेक्ट करूंगा आउटर क्वेरी में से, तो आप खुद सोच के देखो यहाँ पे 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा और 55 आ जाएगा। आइडिया सिंपल है कि नहीं है? पहले अंदर क्वेरी को चलाना है, उसके बाद फिर आउटर क्वेरी को चलाना है। सिलेक्ट एवरेज ऑफ सी एज C1, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सी एज C1, और मुझे इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाओगे, इनर क्वेरी के बाद आउटर क्वेरी यहाँ पे चलाना है, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन है, कौन सा अलाउ नहीं करेगा SQL स्टैंडर्ड, तो देखते हैं भाई, बड़ा सिंपल है, कौन सा अलाउ नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे ये वाली चीज पूछे कि करके अपन देखते हैं, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर ग्रुप बाय AB, आपने ग्रुप बाय किया है और ये ए एट्रीब्यूट यहाँ पे सिलेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ करेगा। यहाँ पे अगर देखूँ ग्रुप बाय कर रहे हो आप ए से, ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हो, तो ग्रुप बाय करना ज़रूरी है, बिल्कुल अलाउ कर देगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया सिलेक्ट एवरेज ऑफ सी आर ग्रुप बाय ए, अगेन ये वही चीज़ है, ठीक है, हमने ग्रुप बाय किया है ए से, एवरेज निकाल रहे हैं सी से, तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे एज पर SQL स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये भी अलाउ नहीं करेंगे सिलेक्ट ए और एवरेज ऑफ बी फ्रॉम आर, क्योंकि हमने ग्रुप बाय नहीं किया है और हम यूज करें एग्रीगेट फंक्शन, तो ये हो गया बकवास, तो ये दोनों यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से MSQ प्रॉब्लम भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ देख लेते हैं भाई, ये बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे ग्रुप बाय ए किए, एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ किए, सेम है वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप बाय AB किए, सिलेक्ट भी कर रहे हैं इसको, ये भी अलाउ करेगा। ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप बाय किए हैं ए और सिलेक्ट भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अलाउ नहीं करेगा। ग्रुप बाय AB किए लेकिन बी सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा ग्रुप बाय स्टेटमेंट का। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, और अगले वीडियो में मिलूंगा और आपको हैविंग क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ग्रुप बाय सीख लेंगे, हैविंग सीख लेंगे, फिर सब क्वेरी सीख लेंगे, हमारा SQL शानदार हो जाएगा, हमसे 101% क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फिर मैं गेट के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कि इस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।